को बताएं कि गुजरात में तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुबैना करप्शन का केस एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। परवेज इलाही ने अदालत के सामने बयान दिया कि मेरी उम्र 77 साल है, 3 स्टंट्स डले हुए हैं, घर पर थेरापी करवाता था वो बंद कर दी गई है। आपको खबर दें, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जान से कहा गया कि उनको दिल की भी तकलीफ है, 3 स्टंट डले हुए हैं, जब वो घर पर थे तो इसकी प्रॉपर थेरेपी कराते थे जिसको अब बंद कर दिया गया। असद शाह से मजीद जानते हैं। जी असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करता चलूंगा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को नैब ने बारी सिक्योरिटी के हमरा एहतसाब अदालत में पेश किया है। चौधरी परवेज इलाही 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो नैब की कस्टडी में थे। रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज चौधरी परवेज इलाही को नैब अदालत में पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने मौजूद जज जो है उनके रूबरू पेश होकर इस्तदा किया कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर चौधरी परवेज इलाही को इजाजत मिली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मैं 70 बरस मेरी एज है और मुझे जो आंखों का भी इशू है और मुझे 3 स्टंट पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरी रोजाना घर पे फिजियोथेरेपी होती थी, मुझे ना तो इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही है और ना ही जो अदालती अहकाम थे कि फैमिली से मुलाकात करवाई जाएगी और इनके जाती मुआलजीन से इनका चेकअप करवाया जाएगा उसकी भी इजाजत नहीं दी जा रही। मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि चौधरी परवेज इलाही के जो वकील है अमजद परवेज, उन्होंने दलायल दिए हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही पे जो इल्जाम लगाए गए हैं ये तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये ट्रांजैक्शन जो सवालनामे जो नैब की जानब से चौधरी परवेज इलाही को दौरान रिमांड जो दिए गए थे उसका जवाब भी दाखिल करवा दिया गया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनके ऊपर ये एक सियासी केस है क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के ऊपर अभी तक 11 मुकदमात किए गए हैं, जिनपे कुछ मुकदमात वो जमानत कबल वक्त जो है उनको दे रखी है और कुछ मुकदमात जो है कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिए हैं। इसके अलावा जो चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत में वकील पेश हुए थे उनका मजीद ये भी कहना था कि चौधरी परवेज इलाही का जो जिस्मानी रिमांड है ये ना दिया जाए क्योंकि चौधरी परवेज इलाही 15 रोज से पहले से ही जिस्मानी रिमांड पर जो है वो एहतसाब नैब के हवाले हैं। जो नैब के प्रोसिक्यूटर है उनका ये कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मजीद सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। इसके अलावा अभी चौधरी परवेज इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोहम्मद खान भट्टी उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमने अदालत से रजू कर लिया है क्योंकि वो भी इन तमाम करप्शन में मुलव्वस थे। इससे पहले असगर अवान को भी गिरफ्तार कर रखा है जो मोनस इलाही के अपना पर्सनल सेक्रेटरी है और उन्होंने जो नैब की जानब से ये कहा गया है कि अभी मोनस इलाही की भी इस केस में गिरफ्तारी बाकी है ताकि बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं जो सही। बहुत शुक्रिया सर आगाह करने के लिए।